Hi guys, all of you have got your CET ka rank, but this rank have zero value. There is no value of this rank because this rank is not going to be counted for your admissions. Why? Because isme open wale bhi hain, OBC wale bhi hain, SC ST wale bhi hain, isme national wale bhi hain, outside Bombay wale bhi hain, sab ka rank ikattha ho ke aata rank. So this rank have zero value when you apply for the MS ka program. ठीक है, तो इसके लिए मैंने जब ये कट ऑफ निकाला था, जो ये पीछे मैंने ये जो कट ऑफ जब दिया था, सो दिस कट ऑफ आई मेक श्योर कि ये आपकी परसेंटाइल बेस्ड है. दिस इज नॉट बेस्ड ऑन कैटेगरी. आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो परसेंटाइल देख के अपना स्कोर चेक कर सकते हो. सो जिसने अभी तक अपना नहीं चेक किया, आप अपना प्लीज कैटेगरी देखो, नीचे आओ, ये देखो, यहाँ जाओ, आपको एक एस्टिमेट कॉलेज आपको मिल जाएगा कि हमें ये कॉलेज अपने को मिल रहा है. ठीक है, दैट इज द एस्टिमेट. ओके, सो अभी हमारा नेक्स्ट राउंड होगा. अभी सीटी का रिजल्ट आ गया, नाउ यू हैव टू रजिस्टर. दैट विल प्रोबब्ली स्टार्ट इन वन मंथ. तो अभी मई चला गया, जून 15 के आजू बाजू स्टार्ट होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग डेट ऑफ दिस थिंग टू बी जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में जाके हमारा ये मेरिट लिस्ट आएगा. मेरिट लिस्ट के अंदर अपना ऑल इंडिया रैंक आएगा, स्टेट रैंक आएगा, कैटेगरी रैंक आएगा, यूनिवर्सिटी रैंक आएगा. सो वी हैव टू वेट फॉर जुलाई जून एंड फॉर दिस मेरिट लिस्ट. ये मेरिट लिस्ट अपना मेन है जिसके ऊपर सीईटी का एडमिशन होने वाला है. आई विल एक्सप्लेन दिस कंप्लीट प्रोसेस इन सम टाइम, बट अभी के लिए मैं आपको एक रैंक देने वाला हूँ कि ऑल इंडिया रैंक. दिस इज ऑल इंडिया रैंक जिसके थ्रू आपको ऑल इंडिया में एडमिशन मिलेगा. आपने अगर सीमेट के थ्रू भरा है या कैट के थ्रू भरा है या सीईटी में ऑल इंडिया में अप्लाई करना है, तो इसके वो क्या काम आएगा रैंक. देन वी हैव अ स्टेट रैंक जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. अगेन स्टेट रैंक इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन ऑल इंडिया एंड स्टेट रैंक, उसका नहीं है. कैटेगरी रैंक फॉर ऑल द कैटेगरी स्टूडेंट, वी आर लुकिंग एट द कैटेगरी रैंक. ओके, एंड यूनिवर्सिटी रैंक फॉर द एच यू स्टूडेंट, बॉम्बे वाले, पुणे वाले, एच यू वाले कॉलेज के लिए वी आर लुक एट द यूनिवर्सिटी रैंक. कैटेगरी वाले विल लुक एट द कैटेगरी रैंक. ठीक है, आपको ये समझा दोनों में फर्क समझा. अब आगे बात स्टेट रैंक की, जो अभी तक हमने इसको एक्स्ट्रा रखा हुआ था, इसका वैल्यू कहाँ पे आने वाला है स्टेट रैंक का. ओके, नाउ लुक एट हियर, इन जमनालाल बजाज देयर इज नो एच यू ओएच यू, ऑल ऑफ देम आर स्टेट सीट्स, स्टेट लेवल सीट्स. ठीक है, एच यू ओएच यू बंद कर दिया, सब स्टेट को इकट्ठा कर दिया, जेबी में, सिडनम में और विलिंगकर में, ये तीन कॉलेजेस में, तीनों टॉप कॉलेजेस में इकट्ठा किया हुआ. पीजीडीएम में नहीं है, पीजीडीएम में अभी भी पीजी में इकट्ठा कर, सॉरी एमएस में, सिडनम में नहीं है, बट पीजी में अलग अलग है. यहाँ पे आके वी हैव टू लुक एट दिस स्टेट लेवल रैंक. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई नो, उसके लिए मैं हूं यहाँ पे. आई मेक द वीडियो वंस ऑल द रैंक्स आर आउट. सो ऑल इंडिया रैंक, स्टेट रैंक, रैंक, कैटेगरी रैंक, यूनिवर्सिटी रैंक, दीज आर द फोर थिंग विच यू नीड टू सी, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है. ठीक है, चलेगा. सो उसका हमें जून एंड तक वेट करना पड़ेगा. पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के राउंड में जाके जिसकी कैटेगरी है उसको कैटेगरी जिसका हर एक का वो डिवाइड होने के बाद विल गेट द रैंकिंग लेटर ऑन. तब तक आप अपना एक एस्टिमेट लेके चलो. दिस टेबल विल गिव द एस्टिमेट आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है फॉर टॉप कॉलेजेस, और उसके नीचे के कॉलेजेस यहाँ पे है. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट.